आज हम देखेंगे बॉटल डेकोपाज कैसे करते हैं। बेसिकली रिंकल फ्री डेकोपाज के लिए हम क्या टेक्निक यूज़ करते हैं बॉटल पर। तो इसके लिए हमें एक ग्लास बॉटल चाहिए होगी, टिश्यू पेपर, मॉड पॉज या कोई और डेकोपाज ग्लू और फ्लैट ब्रश। सो एक हमने सबसे पहले बॉटल ले ली, कोई भी बॉटल आप ले सकते हो। उसके बाद हमने चॉक पेंट यूज़ किया है सरफेस पे, आप इसकी जगह जेसो भी यूज़ कर सकते हो या एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम डेकोरेटिव बॉटल बनाने वाले हैं तो हम कुछ भी पेंट यूज़ कर सकते हैं, और अपने चॉइस का आप कोई भी टिश्यू ले सकते हो। इस बॉटल के लिए मैंने रेड कलर का पॉपी फ्लावर का टिश्यू यूज़ किया है, प्लस और जो मटेरियल चाहिए वो सीज़र, ब्रशेस, सैंड पेपर, वॉर्निश, ग्लू एक्सेट्रा। तो सबसे पहले, क्योंकि ग्लास बॉटल बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, तो हम सबसे पहले सरफेस को थोड़ा सा रफ़ कर लेंगे। इसको रफ़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे सैंड पेपर। सो मैं 220 नंबर का सैंड पेपर यूज़ करती हूँ जनरली। आप 150 नंबर, 80 नंबर, 120 नंबर, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए वो नंबर का आप सैंड पेपर यूज़ कर सकते हो, हार्डवेयर शॉप पे इजीली अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले इस सैंड पेपर को हम छोटा सा पीस कट कर लेंगे, तीन चार पीसेस आप कट कर लो, क्योंकि एक बॉटल में जनरली तीन चार पीसेस लग जाते हैं। और इसके बाद इसको स्क्रैच करेंगे सो दैट ये जो सरफेस है आपकी थोड़ी सी रफ़ हो जाए। पूरी बॉटल को 5 से 7 मिनट तक आपने सैंडिंग करनी है। कैप पे, नेक पे, सब जगह। उसके बाद एक कॉटन के कपड़े से लेके उसको क्लीन कर दिया। अब हम इसका बेस रेडी करेंगे। सो बेस रेडी करने के लिए स्पॉन्ज डैबर से हम चॉक पेंट अप्लाई करते हैं। सो चॉक पेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले लोगे तो बहुत ज़्यादा उसमें ग्रेन्स दिखते हैं। आप चॉक पेंट की क्वांटिटी थोड़ा लिमिट में लेंगे डैबर में, और फिर उसको धीरे 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 जितना स्मूथ आप कर सकते हो उतना स्मूथ करोगे। ब्रश से हम इसलिए नहीं कर रहे कि ब्रश से लाइंस आ जाती हैं। सो स्पॉन्ज डैबर से हल्के हल्के ग्रेन्स तो आते हैं बट वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। सो स्पॉन्ज डैबर से कोई भी ग्लास सरफेस हो या कोई भी स्मूथ सरफेस हो उस पर आप स्पॉन्ज डैबर यूज़ करोगे। अब हमने टिश्यू पेपर को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, हम कौन सा टिश्यू पेपर यूज़ करने वाले हैं। इस केस में हम रेड पॉपी यूज़ कर रहे हैं जो मैंने सैंपल में आपको दिखा रखा है। सो इसको हमने एक बॉटल के अराउंड लगा कर देख लिया कि अगर हम इसको एज इट इज़ रैप करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो कहीं ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही या कोई फ्लावर कट तो नहीं हो रहा बीच में। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उस टाइम डिसीजन लेते हैं कि हमें पूरा फ्लावर कट करना है या उसकी जगह कोई छोटा फ्लावर लगाना है, क्योंकि हमें इनकम्प्लीट नहीं रखना है जहाँ पे एंड कर रहे हैं। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखने का है, और हर एक टिश्यू अलग होता है। सो जब आप टिश्यू सेलेक्ट करोगे उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको करना क्या है। इस केस में अभी हम पहले इसको हाफ टिश्यू को कट कर लेते हैं। तो देर आर टू मेथड्स। अगर तो आप चाहो तो सीजर से एकदम नीटली एजेस से कट कर लो, और या फिर ब्रश में हल्का हल्का पानी मिलाओ लगाकर पूरा जितना हमें पेपर यूज़ करना है उससे थोड़ा सा दूर ब्रश से पानी लगा दो। और फिर धीरे 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 उसको अलग कर लो। इस मेथड से क्या होता है कि आपके जो टिश्यू के एजेस हैं वो बहुत रफ़ हो जाती हैं, और ये रफ़ एजेस हमें हेल्प करती हैं बैकग्राउंड में कलर के साथ मर्ज करने में। उससे जब सीधी लाइन नहीं आती, जो सीजर से अगर आपने वाइट स्पेस से काटा और एक लाइन आई तो वो लाइन विजिबल होगी, वो हमें नहीं चाहिए। अगर आप सीजर से कट कर रहे हो तो आप एकदम नीटली फ्लावर 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 ऐसे कट करोगे, और अगर आप ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हो तो फिर आप थोड़ा दूर से लेकिन पानी लगा के हटाओगे। अब हमें इसकी, ये 3-ply टिश्यू है तो इसकी हमें 2 white layers हटानी है। उसके लिए हम 2 मेथड आपको दिखाते हैं। सो फर्स्ट मेथड में तो सिंपली आपने
कॉर्नर में थोड़ा सा प्रेशर डाल के फ्लैट करके उसको उसको धीरे धीरे अलग करने की कोशिश की। सो 50-60% ईजीली टिश्यूज इससे इस मेथड से ईजीली लेयर्स निकल जाते हैं। बट कुछ एक टिश्यूज ऐसे होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं निकालना, जिसके लेयर्स, तो उसके लिए जो हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे वो होगा, थोड़ा सा हाथ में हम पानी लगाएंगे और उस पानी को एक कॉटन क्लॉथ पे पूरा सुखा लेंगे, ऑलमोस्ट सुखा लेंगे, सिर्फ हाथ में थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाए। फिर हमने कॉर्नर में प्रेशर डाल के ज़ोर से प्रेस किया और हटा लिया, ज़ोर से प्रेस किया हटा लिया, एकदम इजीली आपका टिश्यू, कोई भी टिश्यू हो, उसके लेयर्स बहुत इजीली निकल जाते हैं। अब हमने एक बार प्लेस कर लिया टिश्यू बॉटल के अराउंड और पेस्टिंग शुरू की। लास्ट में कितना टिश्यू हटाना है, कितना ओवरलैप हो रहा है, वो डिसीजन हम लास्ट में लेंगे। जब हम टिश्यू पेस्ट करते हैं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप ओवरलैपिंग करते हो तो वो आपका दिखता है कि नीचे एक टिश्यू है, ऊपर एक टिश्यू है। सो कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करनी है, भले ही हमें थोड़ा सा गैप रह जाए तो उसमें हम कोई छोटा एलिमेंट डाल दें या कुछ पेंट से या स्टेंसिलिंग से मर्जिंग कर दें, लेकिन हम ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। अब पेस्टिंग जब हम शुरू करते हैं तो हम एक एरिया ले लेते हैं 1 से 1.5 इंच का, उसमें पूरा हमने ग्लू अप्लाई कर दिया और हम सेलोफिन शीट की हेल्प से इस टिश्यू को पेस्ट करेंगे। सो सेलोफिन शीट हम क्यों ले रहे हैं? जिससे कि ग्लू हमारे हाथ में ना लगे। अगर हम हाथ से पेस्ट करेंगे तो अगर नीचे ग्लू थोड़ा ज़्यादा होगा, टिश्यू पेपर इतना पतला है, थिन है, कि वो ग्लू ऊपर आ जाती है, फिर वो आपके हाथ में लग जाएगी, फिर जब आप आगे पेस्ट करोगे तो उससे आपका कभी कभी टिश्यू फट भी सकता है। सेलोफिन शीट से अगर हम करते हैं तो अगर ग्लू ऊपर आती है तो आपको सेलोफिन शीट पे दिख जाती है, फिर आप शीट चेंज कर सकते हो। अच्छा, टिश्यू पेस्टिंग का जो मेथड होता है वो होता है, टिश्यू आपने जब रखा तो अंदर से बाहर, सेलोफिन शीट से अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर डालते हुए हम पेस्टिंग करते हैं। देखिए, इस टिश्यू को भी हमने हाथ में रखा, सेलोफिन शीट लिया, अब हम प्रेशर दे रहे हैं अंदर से बाहर बबल निकालते हुए। हम अगर ऐसे ही रख देंगे टिश्यू को, फिर तो जो रिंकल्स आने होंगे वो आ जाएंगे, और अगर आप टिश्यू थोड़ी देर हाथ में लिए रहोगे और धीरे धीरे पेस्टिंग ही इस शीट के प्रेशर से करोगे तो आपका बहुत नीट पेस्टिंग होगा। 1-1.5 इंच का हम अराउंड ले लेते हैं जिसमें हम एक बार में पेस्टिंग कर रहे हैं, हम पूरा पेस्टिंग एक साथ नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ हल्का सा रेड कटिंग में आपको देखो रेड कलर का फ्लावर का एज दिख रहा है। सो ये हम मर्ज करेंगे जब हम कलरिंग करेंगे लास्ट में। अभी भी आप चाहते तो आप हटा सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं हटाया, सो दैट मैं, अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो आप कैसे हैंडल करोगे वो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ तक पेस्ट हो रखा है, अब हम इसके आगे ग्लू लगाते हैं। नीचे जब आप ग्लू लगाओगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो टिश्यू के फटने का भी डर होता है। धीरे धीरे अंदर से बाहर। अब लास्ट में देखो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, तो इसको हम जितना ओवरलैप हमें लग रहा है हो रहा है उसको, फ्लावर को ऐसे कट करेंगे कि फ्लावर का डिज़ाइन भी ख़राब ना हो और वो फ्लावर कंप्लीट भी लगे। सीधा नहीं कट कर रहे हैं हम, थोड़ा सा फ्लावर का एज लेके बस, जितना ओवरलैप हो रहा था वो पार्ट हमने धीरे से हटा दिया। अभी हमारी बॉटल में नीचे ग्लू लगा के हमने पेस्ट कर दिया है और ये ड्राई हो गया है, 5 से 10 मिनट तक आप वेट कर सकते हो। अब हमने सील करना है इस टिश्यू को, तो सील करने के लिए हम ग्लू लेंगे और उसी फ्लैट ब्रश से टिश्यू के ऊपर ग्लू अप्लाई करेंगे।
अभी जब हम ग्लू अप्लाई कर रहे हैं तो हल्का सा प्रेशर देके कर रहे हैं और थोड़ा सा ग्लू का क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं। ये टिश्यू के ऊपर ग्लू जो लगाते हैं ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ऊपर रेड कलर से इसको मर्ज करेंगे और जो बीच में रेड कलर की एक लाइन रह गई थी उसको वाइट कर देंगे, सो दैट वो बैकग्राउंड से मर्ज हो जाए। एक्रेलिक पेंट मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो आप चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हो या कोई भी वाटर बेस्ड पेंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी ये ड्राई हो गया कलर, वाइट कलर। अब हम रेड कलर को ब्रश में लेके, ब्रश में इसलिए सो दैट बिल्कुल एजेस में अंदर सब जगह चला जाए, हार्ड ब्रश है ये, अच्छे से रेड कलर अप्लाई कर दिया। जब एजेस की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा ड्राई ब्रश करेंगे। ड्राई ब्रशिंग मतलब ब्रश में बहुत कम क्वांटिटी में पेंट हो और फिर उसको नीचे की तरफ हम स्प्रेड करेंगे, तो अभी आप देखना। हाँ, इसके बाद जब हम कर रहे हैं तो हम ड्राई ब्रशिंग कर रहे हैं, इसमें पेंट की क्वांटिटी थोड़ा कम है तो थोड़ा एक ग्रेडियंट सा दिखेगा, डार्क से लाइट होता हुआ। थोड़ा आर्टिस्टिक लगता है ऐसे, आप फ्लैट लाइन बना दोगे वो इतना ब्यूटीफुल नहीं लगता है। इस टाइम कलर की क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए ब्रश में, नीचे भी पेंट कर दो और इसके बाद हम इसको ड्राई कर लेंगे। अभी ड्राई हो चुकी है बॉटल, सारे कलर ड्राई हो गए। अब हम इसके ऊपर वार्निश अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ इट्सी बिट्सी का वार्निश। अब आप चाहो तो आप एशियन पेंट का वार्निश भी यूज़ कर सकते हो जो हार्डवेयर शॉप पे मिलता है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है जो इंटीरियर वाला इसका वाटर बेस्ड वार्निश है। सो वाटर बेस्ड वार्निश है ये, हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगा ग्रीन कलर का। ये इंटीरियर वाला है ग्लॉस फिनिश का, ये जो GL लिखा हुआ है इससे हमें पता चलता है कि ग्लॉस है, INT इज़ इंटीरियर। सो इसका एक एक्सटीरियर भी आता है और दोनों इंटीरियर और एक्सटीरियर दो फिनिश में आते हैं, मैट और ग्लॉस। सो ये ग्लॉस फिनिश बहुत ही अच्छा होता है तो हम ये यूज़ करते हैं। ओके, सो अभी हम आप चाहो तो डायरेक्ट इसके ऊपर डाल के भी ब्रश से स्प्रेड कर सकते हो या अलग से निकाल के ब्रश में ले लेके जैसे आप कलर लगाते हो वैसे भी कर सकते हो। इसके हम 3 कोट करेंगे और 1 कोट करने के बाद हम 1-2 घंटा वेट करते हैं जिससे ये फुल्ली ड्राई हो जाए वार्निश। फटाफट 10-10 मिनट के अंतर पर नहीं करेंगे।